नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। देश को भाजपा मुक्त भारत की शुरुआत होने की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा। हताशा और निराशा इस कदर सरकार के चेहरों पे दिख रही है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या किया जाए। जिस तरह से एक मंत्री का लड़का एक 75 साल के बुजुर्ग के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, ये कहीं न कहीं उनकी हताशा और निराशा को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस कदर नीचे गिर चुकी है कि अब उनके पास बताने के लिए, दिखाने के लिए कुछ बचा नहीं है। और यही शुरुआत है भाजपा के पतन की। जिस तरह से मोदी जी अमेरिका जाकर अपनी बेइज्जती करवा चुके, पहले तो सिर्फ देश के अंदर ही इनकी बेइज्जती और गालियां दी जाती थी मोदी जी को, अब तो विश्व लेवल पर इनका घंटा बज रहा है। ये कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी में जो केवल मोदी और अमित शाह की पॉलिसी का असर है, 20-20 साल पुराने जो कार्यकर्ता रहे हैं, जो कट्टर भाजपाई रहे हैं, कैडर रहा है, उनको बगल में बिठा के कांग्रेस से, दूसरे पार्टियों से आयात किए हुए लोगों को विधायक बना दिया जाता है, सांसद बना जाता है, सीधा राज्यसभा, सीधा विधान परिषद सदस्य बना दिया जाता है। जतिन प्रसाद जो जिंदगी भर भाजपा को गाली दिया, आज वो उत्तर प्रदेश से भाजपा के द्वारा समर्थित MLC हैं। ये तो औकात है भाजपा के कार्यकर्ताओं की, वो केवल दरी और कुर्सी लगाने के लिए ही है। जो कट्टर कैडर है ना, वो केवल कुर्सी। लोगों की औकात यही है, तुम्हारे जो अधिकतर, भाजपा के जो अधिकतर नेता हैं, वो आयात किए हुए हैं। आयात इसके लिए करना पड़ता है कि इनकी औकात नहीं होती है कि अपने आप को उस कदर बनाए कि ये पद और ये गरिमा इनको मिल सके। तो कहीं ना कहीं ये हताशा है। अभी ताजा ताजा बंगाल के चुनाव में उपचुनाव हुए, उसमें मोदी जी इतने बुरी तरह से हारे, 50,000 से ज्यादा वोटों से हारे, वो भी एक औरत से। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने ताकत झोंक दी बंगाल के चुनाव में कि एक औरत, साधारण सी औरत, ममता बनर्जी को हराने के लिए क्या नहीं किया ये लोगों ने। इस कदर इतना नीचे तक गिर गए कि एकदम गुंडे मवाली वाली भाषा वहां पे इस्तेमाल की गई। दीदी, ओ दीदी। और दीदी ने इन सब की अकलौती अकेले औकात तो इतनी नीचे गिर चुकी है कि सड़क पे खड़ा हुआ एक साधारण सा कार्यकर्ता योगी जी को, भाजपा का ही पदाधिकारी, योगी जी की पोल खोले पड़ा है। आप किस पार्टी से हैं? भाजपा से। भाजपा से हैं, तो आपकी सरकार में इस तरह के गड्ढे क्या कहेंगे? हमारी सरकार में गड्ढे केवल यही नहीं है, पूरे प्रदेश भर में गड्ढे हैं। आप तो अपनी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हम सत्य बोलते हैं। सरकार हमारी हो चाहे किसी और की सरकार हो, सत्य यही है कि धरातल पर आपको कहीं विकास नहीं दिखाई देगा। जो बड़ा बड़ा बैनर लगाया स्मार्ट सिटी वाराणसी, उसका क्या है? आज हमारे पास अभी लेटर, हमारा घर पे अभी मैं मंगवाता हूँ, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को यही पत्र लिखा है और अभी फेसबुक पर भी मैंने अपने डाला है कि जितना भी विकास आप मीडिया के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से दिखा रहे हैं, उसका दसवां हिस्सा भी धरातल पर उतरा होता तो आज हम लोगों की ये दुर्दशा नहीं होती। कौन सी योजना है जिसको आपने धरातल पर उतारा है? पब्लिक आप लोगों से पूछती होगी। पब्लिक हम लोगों को लतियाने के लिए खोज रही है। आप तो जमीनी नेता है, कह तो रहा है पब्लिक हम लोगों को लतियाने के लिए खोज रही है। ये शर्मिंदगी है उन लोगों के अंदर। और ये चले हैं देश में सत्ता स्थापित करने, मोदी जी को वापस से प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अरे जो महिलाओं से डर रहे, सोचे योगी जी प्रियंका गांधी से डर गया।
उसको कैद करके रखा हुआ है। मोदी जी ममता बनर्जी से फटी पड़ी है, जिनकी औरतों से हालत खराब है वो किसानों जैसे मर्द से ये मुकाबला करेंगे? मतलब औरत से नहीं जीत पा रहे, चले किसानों से जीतने के लिए। लास्ट में क्या हुआ, एक 75 साल के बुजुर्ग को पकड़कर उस पर गाड़ी चढ़ा दी गई। ये कमजोरी दिखाती है, हताशा दिखाती है। तुम्हारे पास 6-7 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश के भाजपाइयों, जितना ताकत लगाना है लगा लो, जनता तय कर चुकी है। क्योंकि लगभग हर घर में कोरोना काल में एक मौत हुई है, हर घर से एक लड़का महाराष्ट्र गुजरात जाके रोजगार ढूंढ रहा है, मार खा रहा है, मराठियों से गुजरातियों से लात खा रहा है, गाली खाता है, सरकारी नौकरियों पे बैन लगा हुआ है। जब से ये दोनों आए हैं योगी और मोदी, इन्होंने किया क्या है? इन्होंने बस दुनिया को, देश को बेवकूफ बनाने का काम किया है। जो सरकार, मोदी सरकार 370 हटा सकती है, वो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना सकती? है औकात, है दम, बनाइए ना, पूरा बहुमत है, क्यों नहीं बना रहे? बनाइए ना, देश का हिंदू बोल रहा है भाई बनाओ, बहुमत है तुम्हारे पास, बना के दिखाओ ना। ये ना आरएसएस के संविधान से नहीं चलता देश, ये बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान से चलता है। और उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक का ये देश है, कोई भोसड़ी वाला, कोई भड़वा किसी दूसरे नागरिक का अपमान नहीं कर सकता। ये देश समानता का अधिकार देता है, जाति वर्ण और रंग भेदभाव से ऊपर उठकर। और पूरे विश्व में इकलौता लोकतंत्र ऐसा है जहां पे ये नियम लागू है। और तुम्हारे बाप ने अगर एक माँ से, तुम्हारे एक बाप से अगर तुमने जन्म लिया होगा, एक माँ का दूध पिया होगा, करके दिखा दो, खुला ओपन चैलेंज है, 2024 तक का समय है ना, कर लो और दिखा दो देश को, है औकात? गजब बेइज्जती है। रुको जरा, सबर करो। एक झुंड बनाकर एक 4.5 फुट के पत्रकार से जय श्री राम नहीं बुलवा पाए। नहीं जम रहे इधर मुंह में, नहीं जम रहे इधर मुंह में, जय श्री राम बोलते हैं। क्या बात, ये तो इतने बाहर का देश है, बात सुन के रहना होगा तो बोलना पड़ेगा, यहाँ पे रहना होगा तो बोलना पड़ेगा। बोल दे, बोल दे, मेरा मन करेगा तो बोल दूंगा, लेकिन आप लाइन में रहने वाले का कोई नहीं पड़ेगा, जबरदस्ती आप लोग मत करना, मैं कह रहा हूँ, मैं जबरदस्ती आप लोग मत करना। अब आप लोग इतने सारे लोग घेर के मुझसे कहेंगे कि तुम जय श्री राम बोलो तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं मीडिया चैनल से दरख्वास्त करूंगा कि इस आदमी को फैला रहा है, इसको बाहर निकाल दिया। देखिए, और ये चले हैं इस देश से इस्लाम खत्म करने। साढ़े चार फुट का एक लौता सिंगल आदमी था और उसके आसपास सैकड़ों की भीड़ थी, वो बंदे से जय श्री राम नहीं बुलवा पाए। ये लड़ेंगे सेक्युलर देश से, ये लड़ेंगे देश के लोकतंत्र से, ये लड़ेंगे संविधान से। इतना नल्ला, जिसका मंत्री की औकात नहीं है उसका बेटा एक 75 साल के बुजुर्ग पे गाड़ी चढ़ा दे, वो लड़ने और काटने की बात करे तो बहुत हास्यास्पद लगता है। मेरी भाषा में कहें तो थू है तुम्हारे मुंह पर। इतना कमजोर भाजपाई, हाय रे मेरे देश। भैया जी, आप तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, एकदम नल्ले और गर्दुल्ले चुसल्ले भाजपाई कार्यकर्ता हुआ करते थे। डूमर हो रहे कहीं जाकर, शर्म आती हो तो चुल्लू भर पानी में, वो अयोध्या के बाबा के जैसे
नाक डुबा कर चुल्लू भर पानी में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।